शिक्षक विजय कुमार के तबादले से नाखुश छात्रों ने एमएसयू के समर्थन में किया आंदोलन। 72 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर हिंदी विभाग को करेंगे बंद। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना के नेतृत्व में पीजी हिंदी विभाग के छात्रों ने पीजी हिंदी विभाग से विश्वविद्यालय परिसर तक पीजी हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार के तबादला हो जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पीजी प्रथम सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर के छात्रों ने इस आंदोलन में सहभागिता दिया। विरोध प्रदर्शन के दिन लगभग 12 बजे शुरू होकर 2 बजे तक चला। छात्रों को एमएसयू छात्र नेता अमन सक्सेना, आदित्य मिश्रा व संजय कुमार ने संबोधित किया। छात्र नेता ने कहा, विश्वविद्यालय में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, छात्र शिक्षक और पदाधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हर दिन विश्वविद्यालय और कॉलेज में तबादला का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार का तबादला कर दिया गया है, जिससे छात्रों में काफ़ी असंतोष का भावना जागृत हो चुका है। किस बातों को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन और पीजी के छात्रों के अगुवाई में एक प्रदर्शन किया जा रहा है। एक मांग हो रही है कि अच्छे शिक्षक की बहाली को, जिसको यहाँ के कुल सचिव और कुलपति के द्वारा तबादला कर दिया जाता है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो एक अच्छे शिक्षक है, उनका जैसा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी थर्ड सेमेस्टर के छात्र इस आंदोलन में सहभागिता दे रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक में कोई क्वालिटी है, जिस कारण छात्र चाह रहे हैं कि वो ऐसे शिक्षक का तबादला नहीं किया जाए। लेकिन एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में अभी अराजकता चरम सीमा पर फैला हुआ है। हर एक कॉलेजों में, हर एक डिपार्टमेंट में पदाधिकारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पदाधिकारी को यहाँ तक कि तबादला कर दिया जाता है, शिक्षकों को तबादला कर दिया जाता है, आंदोलन करने वाले छात्रों पर फर्जी FIR कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का माहौल पूरा अराजकता फैला हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पैसा का बोलबाला हो गया है और लोग पैसे पर पैसा लेकर काम करने का जो सिस्टम चला आता था पहले, वो सिस्टम फिर से विश्वविद्यालय में लागू हो गया है। उसी सिस्टम के खिलाफ आज हम लोगों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना के रूप में प्रदर्शन करते हुए पीजी विभाग से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचे हैं और यहाँ के कुल सचिव, यहाँ के कुलपति से एकमात्र मांग रहे हैं कि जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सर का तबादला किया गया है, उसको तत्काल रोका जाए, अन्यथा 72 घंटा के बाद हम लोग पूरे विभाग को बंद करने का काम करेंगे। विभाग में ताला जड़ दिया जाएगा और पूरे कामकाज को ठप कर दिया जाएगा। इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। क्या दीजिए, हम सबकी मांग है, पूरे विद्यार्थी की, पूरे विद्यार्थी की यही मांग है। हम जो कुछ बोलते हैं विभागाध्यक्ष को, तो वहाँ के कुछ सहायक प्राध्यापक के द्वारा जो नंबर काट लेंगे, तुमको मर्डर कर देंगे, जेल पठा देंगे, ये सब का भी बात छात्रों के साथ किया जाता है। जो आवेदन वापस लो, इनके द्वारा पता लगता है जो जेल पठा दिया जाएगा, अखिलेश कुमार जी के द्वारा जो बोल रहे हैं, डॉक्टर अखिलेश कुमार जी जो हमको पर्सनली बहुत, जैसे अभिनव बाबू हैं, ममता जी हैं, उनको जो प्रताड़ित करते हैं, जो नंबर काट लेंगे, ये करेंगे, जब विभागाध्यक्ष को बोलते हैं तो जाओ छोड़ो शिक्षा करते हैं, कोई बात नहीं सुने। उसको लेकर मैंने 16/8/2021 को कुल सचिव को भी आवेदन दिया, तो जाओ जाओ पढ़ो। उसके बाद कोई कार्रवाई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 18 को हमने दिया जो